क्रिकेट के खेल में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए डीएसए मुरादाबाद लगातार काम कर रहा है। आगामी 28 तारीख को मॉडर्न पब्लिक स्कूल में ट्रायल आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी विजय गुप्ता का ये कहना है कि इस बार मुरादाबाद मंडल के सभी खिलाड़ियों के लिए ट्रायल आयोजित किया गया है और आशा है कि अच्छे खिलाड़ी निकल कर हमारे शहर का नाम रोशन करेंगे। मुरादाबाद में क्रिकेट प्रतियोगिता में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन लगातार काम कर रही है। मुरादाबाद में आगामी 28 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा अंडर 19 का ट्रायल आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी विजय गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि मुरादाबाद मंडल के सभी खिलाड़ी इस ट्रायल में भाग लेंगे। देखिए, हमने अभी अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, 23 और रणजी ट्रॉफी, ये ट्रायल्स आयोजित कर रहे हैं हर खिलाड़ी के उम्र के हिसाब से। अब ये चारों हो चुके हैं, अंडर 19 रह गया है। 28 दिसंबर से मॉडर्न पब्लिक स्कूल में सुबह 10 बजे से 4 जिलों के ट्रायल्स अंडर 19 के होंगे, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, जेपी नगर और संभल, और जो खिलाड़ी हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसके बाद जो खिलाड़ी अच्छे होंगे उनको सेलेक्ट कर दिया जाएगा, उनकी टीमें बनेंगी और टीम बनाने के बाद एक टूर्नामेंट कराया जाएगा। तो जो टूर्नामेंट में बच्चे अच्छा करेंगे, स्कोर करेंगे, बढ़िया खेलेंगे, उनको जिले की टीम में दे दिया जाएगा। रीजन की टीम बनेगी तो रीजन की टीम में भी लिया जाएगा। तो इस तरह हमने बढ़ावा देने के लिए एक बात और सोची है कि हम ये चाहते हैं कि मुरादाबाद के अलावा जो हमारा मुरादाबाद जोन है और जिसमें हमारे 4 जिले हैं, हम चाहते हैं सब जगह क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। इसी इरादे से हमने अंडर 14 का टूर्नामेंट अमरोहा को दिया है। 10 मैचेस एक ग्रुप में होंगी, तो पहला ग्रुप अमरोहा में होगा 27, 28, 29, 30। उसके बाद मुरादाबाद में बी ग्रुप होगी, इसमें भी 10 मैचेस होंगी, उसमें मुरादाबाद की टीमें और भी टीमें जो जीतेंगी वो सब खेलेंगी। इस तरीके से हम चाहते हैं कि मुरादाबाद के अलावा हमारे रीजन में भी क्रिकेट खूब होनी चाहिए। इसी मद्देनज़र ये हमने प्रोग्राम तय किया है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे मुरादाबाद में स्टेडियम की बहुत बड़ी कमी है। हमारे पास बहुत बड़ी परेशानी है, जब भी हम कोई अच्छा इंटरनेशनल या नेशनल स्तर का गेम करना चाहते हैं, टूर्नामेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ग्राउंड की बड़ी समस्या रहती है। रेलवे स्टेडियम है, वो भी बिजी रहता है। एक स्टेडियम है जैन साहब का, TMU का, वो हमें नहीं मिल पाता है। पहले मिला था तो हमने राजीव ट्रॉफी कराई, अंडर 23, 25 और अंडर 16 कराया, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर हमारे यहाँ स्टेडियम बन जाता है तो हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और जो बाहर के खिलाड़ी आएंगे उनको वो देखेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे जो हम नहीं कर पा रहे।